तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे रहिए दोस्तों। ये देखिए क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताता हूँ, सऊदी अरब में जो नए आदमी आते हैं, रास्ता मालूम नहीं रहता है, लोकेशन या क्या होता है, लोकेशन कैसे चलता है। एक भाई ने फ़ोन किए थे तो कमेंट भी किया था भाई कि यहाँ पर लोकेशन कैसे चलाते हैं लोग। ठीक है, कमेंट भी किए थे और फ़ोन भी किए थे भाई पर्सनल। तो भाई का वीडियो पर कमेंट पर वीडियो बना रहे हैं, और भाई लोग जो जितना भी कमेंट किए हुए हैं वो मैं बताऊंगा दोस्तों कि मेरा ड्यूटी कितना रहता है। और कुछ कुछ वीडियो आने वाला है, एक ही दिन में तो सारा वीडियो नहीं आ सकता है, धीरे धीरे करके सारा वीडियो आप लोग के पास पहुँचेगा एक एक करके। तो मैं आज बताऊँगा आपको कि सऊदी अरब में लोकेशन कैसे चलता है। लोकेशन समझे, मैप। जैसे हमको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, एयरपोर्ट हमको मालूम नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है, वहाँ पे कोई आया है उसको लाने जाना है, हमको भेज दिया, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से मॉल में जाना है, दरियन मॉल में कहीं भी जाना है, खोबर जाना है, जुबेल जाना है, ओथेन मॉल जाना है, केयरफोर जाना है, जो भी मॉल जाना है, सातेन मॉल जाना है, उसके अगर नहीं मालूम है रास्ता, अगर वहाँ आदमी है, आपकी मैडम है, चाहे कोई आपको बुला दिया, आप नए नए हैं, तो मैं एक आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप ये इंडिया में रह के भी सीख सकते हैं, और आपको ये नहीं कि यहाँ आने पर ही आपको काम करे, आप कहीं भी कोई भी कंट्री में भी जॉब करने जाएंगे तो ये जो आप एक बार लोकेशन चलाना सीख जाएंगे, मैप चलाना सीख जाएंगे दोस्तों, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडिया में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं चले जाइए, कोई देश में चले जाइए, लोकेशन ऐसा चीज़ है कि आपको कहीं से कहीं मंजिल पर एकदम सही जगह पर पहुँचाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आपको एकदम आसान ट्रिक। ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तभी चला सकते हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी चला सकते हैं, मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी चला सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। भाई लोग कहते हैं कि भाई मैं पढ़े लिखा नहीं हूँ, भाई बड़ा मोबाइल होना चाहिए और नेट होना चाहिए बस, ऑफलाइन में भी चलता है। ठीक है, एक आता है मैप, ऑफलाइन मैप, ठीक है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफलाइन में भी चलेगा, नेट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह का होता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में जो अभी अपडेट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मैप है, आपके हर एक मोबाइल में मैप जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन कर रहा हूँ, देखिए ओपन हो रहा है, ओपन हो गया, ठीक है, देख सकते हैं ये ओपन हो गया, और हमको कहीं जाना है, यहाँ लिखा है देखिए, यहाँ गो, डायरेक्ट गो कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बटन है, इसको गो कर दीजिए, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद देखिए ऊपर में दो आ रहा है, ठीक है, नीचे वाले में, ठीक है, ऊपर में हाँ नीचे वाला में जिसमें रेड है थोड़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे खाली है, ठीक है, नीचे रेड है, यहाँ खाली है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं और लोकेशन चला नहीं जानते भाई, अगर पढ़े लिखे तो जहाँ पे जाना है उस जगह के इसमें नाम आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, टाइप कर दीजिए वो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, इंग्लिश नहीं जानते हैं, यहाँ पे स्पीकर देखिए, यहाँ पे वॉइस करने वाला है, यहाँ पे टच कीजिए और बोल दीजिए दहरेन मॉल, देखिए ऊपर आ गया दहरेन मॉल, ठीक है, ये लोकेशन खुल गया, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, यहाँ पे देखिए कोना में लिखा है स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट हो गया, देखिए, और इसमें बोलने का भी सिस्टम है, देखिए इसमें आपको आवाज भी बोलेगा, ठीक है, देखिए जैसे जैसे इस बढ़ते जाइएगा, देखिए आप आगे ऐसे ऐसे बढ़ते जाइए, यहाँ से रोड, इधर से ये जो ब्लू दिख रहा है ना, इधर रोड है, जिधर ये आपका एक यहाँ पर गाड़ी का सीन बनाया रहेगा ब्लू कलर का, ये जाते जाइए, यहाँ जाते एकदम जैसे जैसे ब्लू है उस रास्ते पर ऐसे घूमते जाइएगा। ठीक है, ये आपको कहीं रोड खराब रहेगा तो भी इसमें दिखाएगा, ऑनलाइन रहिएगा तो, अगर कहीं ट्रैफिक जाम है वहाँ भी दिखाएगा, देखिए यहाँ पे है मॉल, और इसमें आप वो भी क्या बोलते हैं पिक्चर वाला भी कर सकते हैं, जैसे पिक्चर वाला कर देते हैं हम बताते हैं, इमेज, ठीक है, इमेज कर देंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा नेट खाएगा, ठीक है, और इमेज नहीं रहेगा तो उसमें कम नेट खाएगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए इमेज आ गया, देखिए देखिए पबजी जो खेलते हैं भाई, पबजी में इसी तरह का लोग मैप रहता है, वहाँ से वो फ्लाइट में से कूदना पड़ता है, अभी दिखाते हैं हम आपको,
किधर मैप है इसको दिखा रहे, एक मिनट, यहाँ दरेर मॉल का हम लगाए हैं अभी, कोई भी जगह लगा दीजिए, यहाँ से दुबई लिख दीजिए, दुबई का भी लोकेशन दिखा देगा, बाई रोड जहाँ का रास्ता रहेगा बाई रोड का, ठीक है, इंडिया नहीं दिखाएगा, इंडिया का बाई रोड रास्ता नहीं है, बहुत लॉन्ग टूर है। देखिए साफ होते जाएगा, यहाँ पे अपना दरेनी है मॉल, यहाँ देखिए, तो इस तरह का होता है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से ये चलाकर आप जहाँ चलना चाहते। देखिए अभी हमें आपको एयरपोर्ट इसमें बोलूँगा, ठीक है, दमाम एयरपोर्ट यहाँ से कितना किलोमीटर है मैं बताता हूँ, अभी मैं जहाँ पे हूँ, दमाम एयरपोर्ट, ठीक है, दमाम एयरपोर्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 24 किलोमीटर, देख सकते हैं आप मोबाइल कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, 24 किलोमीटर लिखा हुआ है और 33 किलोमीटर लिखा हुआ है, 24 मिनट लगेगा जाने में, ठीक है, 33 किलोमीटर है, 24 मिनट लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में, ठीक है, टाइम भी दिखाता है, ठीक है, और यहाँ से चालू करेंगे यहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे, और एक और बताते हैं, ठीक है, अगर हमें किसी के पास लोकेशन भेजना है, ठीक है, यहाँ से किसी के पास हमें लोकेशन भेजना है तो मैं उसको पर क्लिक करूँगा, ठीक है, जैसे आप नया आदमी आ गए और आप जहाँ पे हैं आपको मालूम नहीं है कौन सा जगह है, जगह पे है, ठीक है, और आपका कोई यहाँ पर दोस्त यार या कोई आपका भाई लोग रहते हैं और बोलता है कि भाई तुम अपना लोकेशन भेजो, तो क्या करना है आपको, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, सीख लीजिए, जैसे मैं बता दूँ आपको, मान लीजिए किसी का भी व्हाट्सअप ले लीजिए, ठीक है, किसी का एक का व्हाट्सअप आप ले लीजिए, अभी मैं किसी का व्हाट्सअप करके बताता हूँ आपको, जैसे देखिए ये एक व्हाट्सअप खुल गया है, देखिए ये व्हाट्सअप है, आप देख सकते हैं व्हाट्सअप है ना, देखिए, और इसके बाद बगल में यहाँ पर देखिए मैसेज टाइप करने वाला है, मैसेज के बगल में एक और है, वो घुमा हुआ कैमरा के बगल में, यहाँ देखिए ये कैमरा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये फाइल आ जाइएगा, ये तो सब जानते हैं, यहाँ से आप फोटो भी भेज सकते हैं, कैमरा भी कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, यहाँ 6 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ जो देखिए ये लोकेशन दिख रहा है, लोकेशन ऊपर से जोड़िएगा बीच में, नीचे वाले के बीच में है, ठीक है, लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है लोकेशन, आप यहाँ पर टच कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर टच किए, देखिए ये खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, जितना नेट फास्ट रहेगा उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और जितना स्लो रहेगा उतना जल्दी नहीं, वो यहाँ देखिए आप खुल गया, यहाँ पर लिखा है सबसे ऊपर में, देखिए सेंड योर करेंट लोकेशन, ऊपर में देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सेंड योर, कुछ नहीं करना है, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है सबसे ऊपर वाला देखिए ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा करेंट लोकेशन, ठीक है, ये इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये चला गया लोकेशन यहाँ का, अभी वो बंदा खोलेगा, अभी यहाँ पे पहुँच जाएगा, मेरे पास पहुँचेगा, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा लोकेशन भेज रहा है, ठीक है, अगर आपके पास कोई लोकेशन भेज रहा है इसी तरह का, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इस पर टैप करना है, बस इस पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ ड्राइव कर देना है, स्टार्ट कर देना है, कुछ भी कर देना है, देखिए स्टार्ट कर देना है, बस यहाँ से आप वहाँ चले लगे, इसमें बोलता भी है इंग्लिश हिंदी सब बोलता है, ठीक है दोस्तों, अभी रोड भी बताया कौन रोड पे चल रहा है, वो भी सब बताता है इसमें आपको, हाँ तो इस तरह लोकेशन में बोलता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लोकेशन ऐसा जो ड्राइवर है उसका साथी है दोस्तों, आप कहीं भी भटक जाएंगे आप सिर्फ उसमें बोल दीजिए और आप मंजिल पे पहुंच जाइएगा, अगर एक बार में नहीं समझ पाए होंगे फिर से आप रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा दोस्तों, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और जो चैनल पे नया आदमी जुर देख रहे हैं वीडियो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई का चैनल है सऊदी अरब से वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं दमाम में रहता हूँ जॉब करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग का ये सवाल था कि लोकेशन कैसे चलाते हैं भाई नया बंदा जाएंगे, कोई भारी बात नहीं है दोस्तों, लोकेशन भेजने का भी सिखा दिए, अगर नहीं सीखे होंगे तो जाइए फिर रिटर्न करके देखते रहिए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एक जरूर कीजिएगा भाई।
भाई के नाम पर एक शेयर कर दीजिए, किसी का हेल्प हो जाए। और इसके बाद लगातार वीडियो जाने वाला है। आप लोग कमेंट किए हैं, सबका भाई कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं भाई। मेरा ड्यूटी कितना रहता है, बहुत ज़्यादा मेरा ड्यूटी है। मैं उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है, उस पर भी जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। और भाई मेरा जो कमेंट किए थे पिछले बार, वही भाई कमेंट किए हैं, उनका नाम है बताते हैं आपको, अपना शाहिद भाई है जो कमेंट किए हैं। भाई राजन भाई आप बताइए आपका ड्यूटी कितना है। और कब सोते हो, कब उठते हो, कितना ड्यूटी है, ये वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो गया, बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग का भी टाइम बहुत मुश्किल से आजकल टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो अलातुल वीडियो जाएगा, मैं बताऊँगा मैं कब सोता हूँ, कितना बजे सोता हूँ। भाई सुन लोगे तो बहुत दिमाग घूम जाएगा, तो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जाएगा जल्दी आप लोग के पास। जय हिंद, जय भारत।